हेलो फ्रेंड्स, अब हम आपके लिए लाए हैं सीरियल अनुपमा का लेटेस्ट अपडेट। अनुपमा, अनुज और माया के बीच पिकनिक में बढ़ेंगी नज़दीकियाँ। वनराज के बाद अब दूसरा पति भी देगा धोखा। अनुपमा में हमें हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है। आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुज माया और छोटी अनु के साथ पिकनिक में जाएगा। सीरियल अनुपमा टीवी इंडस्ट्री पर सब लंबे समय से लोगों का पसंदीदा सीरियल बना हुआ है। फैंस इस शो को देखना काफ़ी पसंद करते हैं। इस सीरियल में हमें हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है। हर दिन मेकर्स इस सीरियल में कुछ नया ट्विस्ट एंड टर्न्स जोड़ने की कोशिश करते हैं। हाल ही में इस शो में माया का ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। अब अनुज अनुपमा को इग्नोर कर रहे हैं और माया को अपना समय दे रहे हैं। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि लीला अनुपमा पर गुस्सा करती है और कहती है कि उसने खुद को नायिका कहा और चली गई। वहीं हसमुख काव्या को खुश करने की कोशिश करता है और उससे चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि उसे अपना मॉडलिंग असाइनमेंट वापस मिल जाएगा। काव्या कहती है कि वह नहीं करेगी क्योंकि मोहित ने इससे पहले ही एक अन्य मॉडल के साथ वह पूरा कर लिया है। वह सोने चली गई। वहीं माया छोटी अनु के लिए केक बनाती है। छोटी अनु उदास महसूस करती है और कहती है कि अगर मम्मी मौजूद होती तो अच्छा होता। यह सुनकर माया को जलन होती है। अनुज कहते हैं ठीक है, वे केक मम्मी को भेज देंगे। नन्ही अनु भगवान से प्रार्थना करती है कि तोशु जल्द से जल्द ठीक हो जाए और मम्मी घर को घर वापस भेज दें। वैसे ही अनुपमा केक काटने के लिए अनुज का हाथ पकड़ लेती है। माया अनुपमा से पूछती है कि वह इतनी जल्दी क्यों रोटी। उन्हें लगा कि वह जल्द नहीं आएगी। अनुपमा कहती है कि वह छोटी अनु और अनुज को मिस कर रही थी। छोटी अनु स्कूल पिकनिक पर जाने के लिए अनुज और अनुपमा को कहती है, लेकिन तोशु के कारण अनुज अनुपमा को पिकनिक में ले जाने से मना कर देते हैं। अनुज अनुपमा से पूछते हैं कि क्या वह निश्चित है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि वह फिर से छोटी अनु का दिल तोड़ दे। क्या वह पूरे दिन तोशु से दूर रह सकती है? वहीं समर अनुपमा को फ़ोन करता है और तोशु की दवा के बारे में पूछता है। वह बताती है और कहती है कि किंजल को भी पता है। वह फिर अनुज से माफ़ी मांगकर पूछती है कि वह क्या कह रहा था। अनुज कहते हैं कि पिछली बार न केवल अनु का दिल टूटा था बल्कि वह भी टूटा था और वह नहीं चाहता कि यह दोबारा हो। अनुपमा कहती है कि इस बार ऐसा नहीं होगा, वह सब कुछ संभाल लेगी। फिर अनुपमा के पास लीला का कॉल आता है। वह कहती है कि वह उसकी बात सुने बिना एक नायिका की तरह चली गई। कल उसे घर आना होगा और तोशु को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अनुपमा कहती है कि यदि आवश्यक होता तो वह आती। वह पहले ही वनराज से बात कर चुकी है। अनुज अनुपमा से कहता है कि शार्क हाउस उसके बिना नहीं चल सकता, इसलिए उसे जाना चाहिए। लीला अनुपमा को बार बार फोन करती है। अनुज का कहना है कि अनुपमा का मंशाओं पर भला होगा भले ही वह पिकनिक पर हो। माया कहती है कि वह नहीं चाहती कि उनकी बेटी परेशानी हो और इसलिए वह कल छोटी अनु के साथ जाएगी। वह अनुज से जिद करती है और वह मान जाता है। अनुपमा का दिल टूटा हुआ लगता है। छोटी अनु अपनी लिस्ट लेकर लौटती है और अनुपमा को दिखाती है। माया छोटी अनु से कहती है कि वह अनुपमा के बजाय कल उसके साथ जाएगी। अनुज अनुपमा से कहता है कि वह उनके बीच फिर से कोई समस्या नहीं है। अनुपमा पिछली बार की घटना को याद करती है और सहमत होती है। तो ये था अनुपमा सीरियल का लेटेस्ट अपडेट। ऐसे और अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।